ये आईएएस अभिषेक सिंह हैं, जिनकी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। इस चर्चा के पीछे का कारण इनका काम नहीं बल्कि इनका एक कारनामा है। दरअसल पिछले 17 नवंबर को चुनाव आयोग ने अभिषेक सिंह को गुजरात चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया था, लेकिन एक दिन बाद ही यानी कि 18 नवंबर को उन्हें इस पद से हटा भी दिया गया। आयोग ने उनको हटाए जाने का कारण भी बताया। आयोग की माने तो अभिषेक सिंह ने अपने काम को पब्लिसिटी स्टंट की तरह इस्तेमाल किया। फिर क्या था, उनको बिना देरी किए फौरन पद से हटा दिया गया। कहते हैं ना, कभी कभी हीरोपंती भारी पड़ जाती है। ये बात इस वक्त आईएएस और एक्टर अभिषेक सिंह पर ठीक बैठ रही है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अभिषेक सिंह ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि मैंने बतौर चुनाव पर्यवेक्षक अहमदाबाद में गुजरात चुनाव के लिए ज्वाइन किया है। इसके साथ ही उन्होंने हीरो की स्टाइल में अपनी गाड़ी के आगे खड़े होकर फोटो भी लगाई। वहीं दूसरी फोटो में उन्होंने अपने साथ में स्टाफ के साथ खड़े होकर एक फोटो शेयर की। अभिषेक ने इन तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल और 30 लाख फॉलोअर्स वाले अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर किया था। फिर क्या था, 17 नवंबर को अभिषेक ने तस्वीरें पोस्ट की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। इसे देखते हुए आयोग ने तत्काल उन्हें हटा दिया। वहीं अभिषेक सिंह की जगह आयोग की तरफ से 2011 बैच के आईएएस अधिकारी कृष्ण वाजपेयी को ये पद दिया गया है। इतना ही नहीं, मामले में आयोग ने अभिषेक को अपने नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश भी दिया है। गौरतलब है कि अभिषेक सिंह की दिसंबर में होने वाले गुजरात चुनाव के लिए बापूनगर और असरवा में ड्यूटी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।